उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको द्वारा वर्ष 2024 के श्रीलाल शुल्क स्मृति इफको साहित्य सम्मान के लिए कथाकार चंद्रकिशोर जायसवाल एवं प्रथम श्रीलाल शुल्क स्मृति इफको युवा साहित्य सम्मान के लिए रेणु यादव के नाम की घोषणा की गई है। रचनाकारों का चयन वरिष्ठ साहित्यकार असगर वसाहत की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने किया है। इस वर्ष की सम्मान चयन समिति में डॉक्टर अनामिका, प्रियदर्शन, यतीन्द्र मिश्र, उत्कर्ष शुक्ल एवं डॉक्टर नरीन विकास शामिल थे। चंद्रकिशोर जायसवाल का जन्म 15 फरवरी 1940 को बिहार के मधेपुरा जिले के बिहारीगंज में हुआ। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय पटना से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल की और अरसे तक अध्यापन करने के बाद भागलपुर अभियंत्रणा महाविद्यालय भागलपुर से प्राध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वहीं रेणु यादव का जन्म 16 सितंबर 1984 को गोरखपुर में हुआ। शिक्षा एमए एमफिल, पीएचडी, यूजीसी नेट, संप्रति असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय भाषा एवं साहित्य विभाग हिंदी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा है। महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना का मनोविश्लेषण, मैं मुक्त हूँ काव्य संग्रह, साक्षात्कारों के आईने में सुधा ओम ढींगरा संपादित पुस्तक, शोध पत्र स्त्री विमर्श के आईने में राधा का प्रेम और अस्तित्व, पद्मावत और पूर्वराग, प्रवास में स्त्री विमर्श टहल रहा है। मुझे इस सम्मान से मेरी मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कुछ फायदे तो हुए ही हैं कि जिन लोगों को पता नहीं था मेरे बारे में, क्योंकि मैं जब उपन्यास लिखता हूँ तो कहानियों से अलग हो जाता हूँ और कहानियाँ पत्रिकाओं में छपती हैं तो पाठक पढ़ते हैं तो जानते हैं, तो उन लोगों को ये खबर लग गई होगी कि हाँ जायसवाल जी भी एक लेखक हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो मेरे पाठक जिनको तकलीफ थी कि मेरी चर्चा नहीं हो रही है, अब उनको ये खुशी हो रही होगी कि हाँ चर्चा हो गई। तीसरी बात ये है, जहाँ तक पैसा का सवाल है, पैसा तो मिलता ही है, और अगर मैं झूठ बोल दूँ इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा है तो गलत होगा, क्योंकि पैसे का युग है, पैसे की ज़रूरत है, और लगता है कि अब यह सुविधा है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं 11 लाख तक का इलाज करवा सकता हूँ। और नए पाठक बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मान है ये और इसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है, तो मैं आभार प्रकट करता हूँ। युवा सम्मान सभी युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। मैं गांव से हूँ और गांव से जिस तरह से संघर्ष करके शहर तक की दूरी मैंने नापी है, वह सभी कुछ युवाओं के लिए भी और मेरे लिए स्वयं भी आगे प्रोत्साहित करने वाला है कि मैं आगे कुछ बेहतर रचना कर सकूँ। और युवाओं के लिए भी ये प्रेरणा का समय है कि वे कुछ बेहतर रच सकें और सिर्फ शहर के मध्यम वर्गी का नहीं बल्कि हाशिए पर खड़े हुए समाज को सामने ले आने का प्रयास करें। रचनाएं अपने जीवन के अनुभव का आधार होती हैं। भले यथार्थ पर कहानी का प्लॉट बनता हो, लेकिन कल्पनाओं की दुनिया में विस्तार पाती हैं ये कहानियाँ। जैसे कि खुखड़ी कहानी है, इसमें मेरी दादी कहीं ना कहीं शामिल हैं। जब उनके पास बड़े घर में होते हुए भी उनके पास पैसे नहीं थे और मरते समय उन्होंने घर की औरतों को पैसे बांट दिए, वो समझ सकती थीं कि बड़े घर होने से स्त्रियों की स्थिति भी बड़ी नहीं हो जाती है, औरतें भी धनी नहीं होती हैं। इसी प्रकार नचनिया है जो हाशिए पर खड़ी है, एक व्यक्ति जो पुरुष है और नचनिया पुरुष बनकर नाचते थे, बाद में रंडी का नाच आता है, जब लड़कियां नाचती हैं उन्हें रंडी कहा जाता था, लेकिन एक व्यक्ति के चाह और राह में कितना अंतर द्वंद होता है यह सामने नचनिया के माध्यम से आता है। इसी तरह से अमरपाली कहानी है जो हाशिए पर खड़ी एक लड़की पिता और पुत्र दोनों के प्रेम का भागीदार बनती है। तो ये कहानियाँ अपने गाँव परिवेश के स्थितियों को संबोधित करती हैं। 14वां वो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य अवार्ड है, आज हम 14वां अवार्ड दे रहे हैं। 2011 में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था और इस बार ये श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, और एक हमने नया पुरस्कार युवा साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए वो भी एक इस बार से शुरू किया है, जिसमें आज दिया जा रहा है।
तो ये एक उर्वरक संस्था होते हुए कोऑपरेटिव संस्था हम साहित्य को, हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए लगातार इसमें पिछले देख रहे हैं आप 14 वर्षों से काम कर रहे हैं और इससे एक एक इंडिपेंडेंट एक चयन समिति बनती है जो साहित्यों को हुआ उनको पूरा देख रेख के बाद ये उसमें से जो प्रोत्साहन के लिए जो अवार्ड के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं उनको फिर हम ये एक सालाना एक प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनको ये अवार्ड दिया जाता है। आज का ये सम्मान श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान पुरस्कार है जो बहुत ही वरिष्ठ लेखकों को दिया जाता है और हिंदी भाषा के अंतर्गत एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सर्वाधिक लोकप्रिय पुरस्कार भी है जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण जीवन से जुड़े वरिष्ठ लेखकों को जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लेखन करते हैं, ग्रामीण जीवन का सही चित्रण करते हैं, उनको प्रेरित करने और उसको विकसित करने के लिए जो एक संकल्प लेकर के लेखक लिखते हैं उनके प्रति ये सम्मान पुरस्कार 2011 से शुरू किया गया है और आज 2011 से लेकर के 2024 तक का सफ़र हम लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक तय किया है। इसमें विभिन्न बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जा चुका है, इसमें कुछ बड़े नाम शेखर जोशी, विद्यासागर नोटियाल, मधु कंकरिया आदि हैं। इन वरिष्ठ पुरस्कारों को सम्मान की कड़ी में आज ये पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं चंद्रकिशोर जायसवाल को, जिन्होंने ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण ही नहीं किया है बल्कि उसमें कस्बाई जीवन को भी सम्मिलित किया है। और उस तरीके से एक दूसरा पुरस्कार हम लोगों ने शुरू किया वो युवाओं के लिए था, उस युवाओं के पुरस्कार को आज हम लोगों ने सुश्री रेणु यादव जी को समर्पित किया है। दोनों ही एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के लेखक हैं और यह पुरस्कार इफ्को की इफ्को जो किसानों की अपनी बहुत ही अपनी सहकारी संस्था है उसके माध्यम से दिए जा रहे हैं और ग्रामीण जीवन के विकास के लिए सतत उनके हितों के संवर्धन के लिए हमारी संस्था हमेशा जो है बहुत ही समर्पित भाव से कार्य करती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जब रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने की बात थी, उत्पादन बढ़ाने की बात थी, धरती की जीवनी शक्ति को बढ़ाने की बात थी, तो हम लोगों ने बहुत सारे उत्पाद जिसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय जो उत्पाद हैं नैनो यूरिया प्लस 20% का और नैनो DAP तरल 18-16% का जो हम लोगों ने विकसित किया है किसानों में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। इसके उपयोग से जहाँ प्रति इकाई उत्पादन बढ़ता है वहीं उत्पादन की गुणवत्ता और जो प्रदूषण है हमारी धरती माँ का, हमारे जल का, हमारी वायु का, उसको भी समाप्त करने में सफलता मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए, अपने ग्रामीण जीवन के लिए, अपनी सहकारी समितियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में करते चले आ रहे हैं और ये काम हम लोग सतत रूप से आगे जारी रखेंगे। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।